जगदीश्वरी जगदम्बे महामाई की जय हो, जय माता दी। दोस्तों तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माता रानी के दिन चल रहे हैं, उनकी पूजा आराधना हर जगह हो रही है। तो दोस्तों, जाने तीसरे दिन कौन सी माता की पूजा की जाती है? दोस्तों, तीसरे दिन माता चंद्र घंटा जी की पूजा की जाती है। और इस दिन आप उनकी पूजा आराधना करें और तीसरे दिन ग्रे कलर के कपड़े जो हैं वो आपके लिए बहुत शुभ माने जाएंगे। दोस्तों, आपको ग्रे कलर के कपड़े पहनने हैं तीसरे दिन। बस तो ग्रे कलर बहुत फीका रंग होता है, पर आप इसे किसी के भी साथ कॉम्बिनेशन करके पहन सकते हैं। आप इसे गोल्डन या सिल्वर के साथ कॉम्बिनेशन करके पहन सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेंगे। दोस्तों, माँ को दूध का भोग लगाएं। दोस्तों, तीसरे दिन माता रानी को दूध का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए उन्हें दूध का भोग लगाएं और हो सके तो गरीबों में दूध का दान करें। दोस्तों, इससे आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जितने भी कष्ट होंगे आपको उनसे मुक्ति मिल जाएगी, माता रानी की कृपा आप पे बरसने लगेगी। दोस्तों, तो दोस्तों जैसा मैंने बताया आपको, वैसा करेंगे तो माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी और आपको आपकी इच्छा के अनुसार वर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको ग्रे कलर के कपड़े पहनने हैं और माँ को दूध का भोग लगाना है, जिससे कि माता रानी की आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देगी। जय माता दी।